नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन। राजस्थान की आज की टॉप 5 खबरों के साथ साथ ही आज की बड़ी खबर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बीजेपी के लिए इस चुनावी साल में उसके ही कार्यकर्ता सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ा रहे हैं। हालांकि ये बात अकेले बीजेपी की नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी की भी होगी जो इस वक्त सत्ता में है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। और पहली खबर राजस्थान की बीजेपी से जुड़ी है, क्योंकि बीजेपी राजस्थान में सत्ता वापसी का दावा कर रही है, लेकिन पार्टी के नेताओं के बीच में आपसी खींचतान अब उसके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी के विधायक यानी कि मौजूदा विधायक कैलाश मेघवाल ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि अशोक गहलोत सरकार की योजनाएं उनके इलाके में लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, क्योंकि उनके कहने पर अशोक गहलोत सरकार ने पार्टी विचारधारा को भी दरकिनार करते हुए सभी विधायकों को हर तरह के विकास काम की आज़ादी दी। यानी कि उन्होंने जमकर अशोक गहलोत सरकार की तारीफ की और अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल की में आ गई है। राजस्थान की दूसरी खबर कांग्रेस से है। कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों की आज दूसरे दिन भी बैठक पीसीसी वार रूम में चल रही है। खास बात यह है कि ब्लॉक अध्यक्ष के जरिए कांग्रेस जहां इस बार चुनाव लड़ने के दावेदारों का आवेदन पत्र ले रही है, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता पदाधिकारियों और जो मजबूत जो पिछले चुनाव हार चुके हैं या जीत चुके हैं उन्हें अपने पास स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य बुला रहे हैं। ये सदस्य स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाके बता रहे हैं कि उनकी हार या जीत की वजह पिछली बार क्या रही और पिछले 5 सालों में क्या बदलाव वे देखते हैं, किस तरह के भविष्य की बात करते हैं, कौन सा नेता उनके अलावा पार्टी में दमदार तरीके से उस इलाके से चुनाव लड़ सकता है। इस तरह की तमाम बातें या फीडबैक एक तरह से कहे तो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य ले रहे हैं। 4 दिनों तक यह पूरी बैठक होनी है और आज इसका दूसरा दिन है। अलग अलग संभाग के नेताओं को बुलाकर बातचीत की जा रही है। राजस्थान की तीसरी खबर भी कांग्रेस से है, लेकिन यह कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं कही जा सकती, क्योंकि एक तरफ जहाँ स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही थी, वहीं कांग्रेस के वॉर रूम के बाहर ही जहाँ पर कि यह बैठक चल रही थी कार्यकर्ता जमा हो गए और उन्होंने अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। हाथ में बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट सब इन लोगों के हाथ में थे और करीब 1 घंटे तक नारेबाजी का यह दौर चला। बाद में समझाइश के बाद ये चले गए। दरअसल कांग्रेस के एक सभी कार्यकर्ता जयपुर से सटे चाकसू के थे। चाकसू के कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी से एक खासे खफा थे। उन्हें बाहरी उम्मीदवार बताते हुए इस बार उम्मीदवार बदलने की भी वे मांग कर रहे थे। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि हनुमान बेनीवाल से जुड़ी है। हनुमान बेनीवाल ने साफ कर दिया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी न तो बीजेपी से कोई गठबंधन करेगी न ही कांग्रेस से, बल्कि तीसरे मोर्चे के रूप में वह चुनाव मैदान में उतरेगी। इसके लिए बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान भी चल रहा है। लगे आ तो हनुमान बेनीवाल ने, जो कि नागौर से सांसद भी हैं और उनकी पार्टी के 3 विधायक राजस्थान विधानसभा में भी हैं, तो हनुमान बेनीवाल की ओर से साफ कह दिया गया कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीतकर सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखना उनकी पार्टी का मकसद होगा और समान विचारधारा वाली पार्टियों को वे साथ लेकर इस बार आगे बढ़ेंगे या तीसरे मोर्चे का निर्माण करेंगे। उन्होंने लगे हाथों राजस्थान के विश्वविद्यालयों में चुनाव नहीं कराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मिलीभगत को इसका बड़ा कारण भी बता दिया। राजस्थान की 5वीं और आखिरी खबर कोटा कोचिंग सेंटर से है। अब सरकार और प्रशासन कोटा में आए दिन छात्रों के आत्महत्या पर गंभीर हो गई है और उसने निर्देश दिया कि अब बुधवार के दिन हाफ डे ही क्लास लगेगी और इस हाफ डे में जो बाकी बचेगा हाफ डे वहां पर फन क्लासेस होगा ताकि बच्चों को तनाव मुक्त रखा जा सके। इसके अलावा साप्ताहिक परीक्षा पर रोक तो 24 घंटे पहले ही लगा दी गई थी। अब सरकार के पास जल्दी ही एक हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट भी पहुंचने वाली है। उसके बाद इस मुद्दे पर सरकार किस तरह का अहम फैसला लेती है इस पर सबकी निगाहें रहेगी। अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की, और बड़ी खबर बीजेपी पर पूरी तरह फोकस है, क्योंकि इसका असर कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी है। खबर के कई भाग में कांग्रेस की भी बात आएगी, क्योंकि बैलेंस करके यह खबर आपको बताना जरूरी भी है।
तो सब बात हम बीजेपी की करते हैं और बीजेपी में इस वक्त कांग्रेस को किस तरह पटकनी दी जाए, किस तरह अब सत्ता में आया जाए, इसे लेकर बड़े स्तर पर व्यापक मंथन शुरू हो गया है। क्योंकि राजस्थान को बीजेपी इस बार खोना नहीं चाहती। वैसे भी राजस्थान की एक तरह से राजनीतिक परंपरा है, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, यानी कि कांग्रेस के 5 साल का टर्म खत्म होने वाला है। अब बीजेपी को लगता है कि वह सत्ता में जरूर आएगी और इसके लिए दमखम लगाकर उसने योजनाओं को अमली जामा पहनाने का भी काम शुरू कर दिया, मतलब रणनीति बनाकर आगे बढ़ना बीजेपी ने शुरू कर दिया। कांग्रेस की चुनौतियों से तो बीजेपी को निपटना ही पड़ रहा है, लेकिन अब पार्टी के भीतर जिस तरह की रस्साकशी चल रही है वह भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब इस चुनावी साल में बना हुआ है। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि अब तक तो बार बार कांग्रेस और बीजेपी के खुद कार्यकर्ता भी यही मान रहे थे कि पार्टी में गुटबाजी कहीं ना कहीं बनी हुई है। नेताओं के अलग अलग धड़े अलग अलग रूप से काम कर रहे हैं, एक दूसरे का किसी भी कार्यक्रम में योजनाओं में सहयोग करके आगे बढ़ने की भावना ही राजस्थान में तो कम से कम कम हो गई है, ऐसा तो खुद बीजेपी के कार्यकर्ता भी मानते हैं और दबे आवाज़ में इस बारे में बयान भी कई बार देते नज़र आते हैं। लेकिन जब पार्टी के दो वरिष्ठ नेता ही खुलकर एक दूसरे के खिलाफ आपस में बयानबाजी करना शुरू कर दे तो इसे क्या कहेंगे। हम बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और इस वक्त भीलवाड़ा से बीजेपी के विधायक कैलाश मेघवाल की। दरअसल पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, बड़े कद के नेता उन्हें कहा जाता है, और कैलाश मेघवाल के लिए तो यह भी कहा जाता है कि वे पार्टी के पिलर नेताओं में से एक थे। यानी कि वसुंधरा राजे ने भी पिछले अपने कार्यकाल में, यानी कि उनके वसुंधरा राजे का जब कार्यकाल दूसरा कार्यकाल था तब उन्होंने कैलाश मेघवाल पर इतना भरोसा किया था कि उन्हें 5 साल तक विधानसभा का स्पीकर बनाए रखा। अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि सभी विधायकों को कंट्रोल करने की उन्होंने जिम्मेदारी दे दी थी, क्योंकि अच्छी तरह से जानती है कि किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष को टैकल करना, इसका राजनीतिक अनुभव कैलाश मेघवाल के पास है। तो उन्हीं कैलाश मेघवाल ने अब अपनी ही पार्टी के एक बड़े केंद्रीय नेता पर आरोप लगा दिया, और केंद्रीय नेता राजस्थान से ही है, बीकानेर से सांसद हैं अर्जुन राम मेघवाल, जो कि केंद्र में इस वक्त विधि मंत्री भी हैं और राजस्थान में चुनाव संकल्प समिति यानी कि जो पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार होगा उसके वे संयोजक भी हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस बार के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अर्जुन राम मेघवाल के पर। लेकिन अब कैलाश मेघवाल ने अर्जुन राम मेघवाल पर संगीन आरोप लगाया और कहा कि वे भ्रष्टाचारी हैं, पूरी तरह करप्ट हैं, कई सारे स्कैम भी किए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी को वे पत्र लिखकर इस बारे में बताएंगे कि कैलाश किस तरह से अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्टाचार में आखंड डूबे हुए हैं। बावजूद उन्हें न केवल केंद्र में मंत्री बनाया गया बल्कि राजस्थान में मैनिफेस्टो तैयार करने वाली समिति की संयोजक का जिम्मेदारी भी दे दी। यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि पार्टी के बीच इससे गलत संकेत जाएगा। बात यही होती तो ठीक होता, मान लिया खिस्तान में किसी तरह से आरोप प्रत्यारोप हो गया। लेकिन अब पार्टी के विधायक और पूर्व स्पीकर ने बीजेपी की योजनाओं की तारीफ करना तो एक तरह से वे भूल गए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अशोक गहलोत सरकार की योजनाएँ राजस्थान के साथ साथ उनके इलाके में काफ़ी प्रभावकारी नज़र आ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए जनता को ध्यान में रखते हुए जो जो योजनाएं मांगी मुख्यमंत्री ने उससे कई अधिक उन योजनाओं को स्वीकृत किया है। यानी कि वे जो राजनीतिक रूप से यदि देखा जाए तो अपने विपक्ष की सरकार की गजब की तारीफ करते नज़र आए, और जैसे ही कैलाश मेघवाल जैसे बड़े नेता के मुँह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने अशोक गहलोत सरकार की तारीफ सुनी सत्ते में आ गए। आना भी था क्योंकि चुनावी साल में है और बीजेपी तो के नेता तो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं में कमी निकालकर सरकार को घेरा जाए, जनता के बीच में अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए। लेकिन जब पार्टी का वरिष्ठ नेता ही सरकार के योजनाओं की तारीफ करेगा, सरकार के कामकाज की तारीफ करेगा, तो आप बीजेपी नेता करें तो क्या करें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। हालाँकि किसी तरह बयानबाजी कर डैमेज कंट्रोल करने की वे कोशिश कर रहे हैं। कैलाश मेघवाल से भी बातचीत करके कहा कि वे इस तरह के बयान ना दिया करें, लेकिन कैलाश मेघवाल स्पष्टवादी माने जाते हैं राजनीति में। वे मुंह पर जो कुछ होता है वह कह देते हैं, पार्टी में सक्रियता से भी जुड़े हुए हैं
और ऐसे में अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके शब्दों का असर पार्टी के भीतर और बाहर क्या पड़ता है। बीजेपी नेताओं की तो चिंता बढ़नी थी, क्योंकि इस कद का नेता यदि अपनी ही पार्टी के दूसरे बड़े नेता के खिलाफ कोई बयान दे, विपक्ष के या सरकार के पक्ष में बातचीत करना शुरू कर दे, तो अब बीजेपी किस तरह जनता को समझाएगी कि क्या हकीकत है, क्या वह बोल रही है वह झूठ है या उनके नेता जो कह रहे हैं वह सच है। तो अब उस बीजेपी के लिए समझाना भी मुश्किल हो गया। वैसे भी देखो तो बीजेपी लगातार पिछले 5 सालों में कहीं ना कहीं गुटबाजी की शिकार रही है। बात अलग अलग नेताओं की जाए, बात वसुंधरा राजे की जाए, मुख्यमंत्री की रेस में कई सारे चेहरों के नाम यदा कदा सामने आए, उनके समर्थक इसी तरह से बयानबाजी करते रहे, जिसके चलते यह समझ में बीजेपी के आलाकमान ने भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लगी राजस्थान में। शायद यही कारण है कि इस बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने किसी को भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया है। केवल केंद्रीय नेतृत्व मोदी सरकार के योजनाओं के आधार पर इस बार राजस्थान में विधानसभा चुनाव में मैदान में बीजेपी उतरने वाली है, क्योंकि अच्छी तरह जानते किसी एक नेता को सपोर्ट करना दूसरे गुट को नाराज करना है। तो ऐसे में ऐसा कोई काम बीजेपी नेता नहीं करना चाहते। गुटबाजी के लेकर वे भले ही कुछ भी बयान देते रहे, लेकिन अंदर खाने क्या हो रहा है हकीकत में वे जानते हैं। अब हमने बात तो बीजेपी की कर ली, इसका मतलब कांग्रेस को भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में भी कुछ ऐसा ही माहौल है। लेकिन इस बार अब तक की जो घटना देखी गई है कांग्रेस में ही हमेशा देखा जाता था कि खींचतान, गुटबाजी, टिकटॉक ले मारामारी, सब तरह की बातें सामने आती थी, लेकिन इस बार शायद इन सब में बीजेपी ने बाजी मार ली और कांग्रेस के लिए राहत की बात यही है। लेकिन कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है ऐसा भी नहीं है। हालांकि यह बात सही है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में एक तरह से पार्टी हाईकमान ने समझौता करा दिया, दोनों पक्ष अब कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं, वोट मांगते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, अच्छा संकेत है। लेकिन जो पार्टी के बाकी नेता हैं वे अब सड़कों पर आने लगे हैं। आज PCC वार रूम में एक बड़ी बैठक चल रही थी स्क्रीनिंग कमेटी की, उसी दौरान जयपुर से सटे चाकसू के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए सामूहिक रूप से सड़कों पर आ गए और उन्होंने अपनी ही पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी के ही विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं है कि केवल आज ही यह इस तरह का आंदोलन यह देखा गया है, पिछले एक महीने में ऐसा शायद 5 से 6वीं बार यह प्रदर्शन होगा जब स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ सड़कों पर इस तरह से लामबंद होते नजर आए। उनका कहना है कि वेद प्रकाश सोलंकी बाहरी आदमी है, यानी कि उनके इलाके के नहीं है, चाकसू इलाके के नहीं है, फिर भी पिछली बार तो जैसे तैसे पार्टी की बात उन्होंने मानकर वेद प्रकाश सोलंकी पे भरोसा किया। लेकिन उनका एटीट्यूड जिस तरह से रहा है इस पूरे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी, इसके अलावा अपनी ही पार्टी की सरकार को संकट में डालने का भी कई बार काम किया और 2020 की घटना को अभी तक विराट नगर के जो सच्चे कांग्रेसी अपने आप को कहते कर्मठ कांग्रेसी वे भूलने को तैयार नहीं है। जब सभी लोग अपनी सरकार को अल्पमत में बताते हुए अलग जगह पर जाके बैठ गए थे, विधायकों का गुट उसमें वेद प्रकाश सोलंकी भी शामिल थे, तो आज इन्हीं वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ वॉर रूम के बाहर आकर जबरदस्त नारेबाजी की गई और साफ तौर पर कह दिया गया कि यदि इस बार भी कांग्रेस पार्टी वेद प्रकाश सोलंकी को टिकट देती है निश्चित तौर पर उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो कांग्रेस की जहां तक बात की जाए गुटबाजी तो कोई नई बात नहीं है कांग्रेस में, इसे आंतरिक या बाहरी लोकतंत्र का भी बात कांग्रेस के नेता बात कहते हैं। लेकिन बीजेपी में इस बार जिस तरीके से बड़े स्तर पर यह पूरी बात सामने आ रही है, निश्चित तौर पर बीजेपी नेताओं की चिंताएं इस बार सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है कि क्या ऐसे हालात में वे सत्ता में भारी बहुमत के साथ आने का दावा कर रहे हैं, क्या वह सफल हो पाएगा या नहीं।